वेलकम व्यूअर्स, आज के इस वीडियो लेक्चर क्लास में हम लोग सेरिकल्चर के बारे में स्टडी करेंगे, सेरिकल्चर के लाइफ साइकिल के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग ने एपिकल्चर और पिसिकल्चर, प्रॉन कल्चर का स्टडी कर लिया है। तो आज हमारा टॉपिक है क्या, सेरिकल्चर। तो सेरिकल्चर पहले क्या होता है कि हमें सबसे पहले जानना पड़ता है सेरिकल्चर है क्या। तो आपका सिल्क वर्म से सिल्क का प्रोडक्शन यानी सिल्क थ्रेड का प्रोडक्शन, वो कल्चर क्या हुआ, सेरिकल्चर हुआ। तो नॉर्मली अगर हम सेरिकल्चर की बात करेंगे तो प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फ्रॉम सिल्क वर्म। सिल्क वर्म इसलिए है क्योंकि ये खास इसके सिल्क वर्म जो होता है वो पाया जाता है उसके लार्वा से। ये कोई वर्म नहीं है लेकिन क्या है, उसके कैटरपिलर लार्वा होता है। बाय रियरिंग प्रैक्टिस ऑन कमर्शियल स्केल इज कॉल्ड सेरिकल्चर। यानी सिल्क को सिल्क वर्म से प्राप्त करना कमर्शियल वैल्यू पे, तो यही क्या हो गया हमारा, सेरिकल्चर। तो अगर हम सिल्क वर्म की बात करें तो सिल्क वर्म आपका वर्म नहीं है, ये क्या है, आपका एक इंसेक्टा फैमिली का है, इंसेक्टा क्लास का है। और बहुत पहले लॉन्ग लॉन्ग एगो अबाउट क्या होता, सबसे पहले ये चाइना में इसका कल्चर किया गया था और बाद में यहाँ चाइना के बाद ये सभी जगह स्प्रेड हो गया, जापान, कोरिया और इंडिया। अब तो लगभग हर कंट्री में क्या है, सेरिकल्चर का, क्योंकि ये बहुत ही इजिली डोमेस्टिकेटेड है, इजिली इसको पाल सकते हैं, तो इसका कल्चर करना बहुत ही आपका इजी है। और एक कॉटेज इंडस्ट्री के रूप में हम इसका बहुत ही ज्यादा कल्चर करते हैं सेरिकल्चर का। तो अगर सेरिकल्चर की बात करें तो सेरिकल्चर में जो सिल्क वर्म होता है आपका, वो क्या है, रोबस्ट बॉडी का होता है और उसके पास क्या है, क्रीमिश व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर। आपका ये जो सिल्क वर्म है ये क्या होगा, क्रीमिश व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर होगा। हेड के पास एक पेयर ऑफ एंटीना होगा, एंटीना कैसा होगा, प्लूमेज एंटीना होगा और ये कंपाउंड पेयर ऑफ कंपाउंड आई होगा। सकिंग टाइप ऑफ माउथ होगा और थॉरिक्स क्या होगा, कंटेन करेगा, देखिए 1 पेयर एंड 2 पेयर विंग्स और 3 पेयर्स ऑफ लेग। तो एडल्ट के बारे में क्या है कि एडल्ट के बारे में इसकी लाइफ साइकिल जो है बहुत ही शॉर्ट होती है और ये नॉन फीडिंग स्टेज है क्योंकि ये फीडिंग नहीं करता, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल। लेकिन फिर भी हम सिल्क क्या होता है, सिल्क हम इस एडल्ट से प्राप्त नहीं करते। सिल्क हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, इसके कैटरपिलर लार्वा से, जिसको हम सिल्क वर्म कहते हैं। तो जब इसकी लाइफ साइकिल की स्टडी करेंगे तो हम इसके बारे में जानेंगे। तो इस तरह सिल्क वर्म सबसे पहले कहाँ किया गया, चाइना में। कहा ऐसा मानना था कि वहां की जो रानी थी वो फर्स्ट टाइम सिल्क वर्म को देखी थी और धीरे धीरे कल्चर करना स्टार्ट किया और उसके बाद वहां से कुछ मॉन्क के द्वारा हर जगह पूरी दुनिया में सभी जगह, पहले जापान में, फिर आपका अदर कोरिया और फिर इंडिया तक वो पहुंचा। तो अगर हम 500 ईसा पूर्व पहले, मतलब 5000 ईसा पूर्व पहले वो चाइना में ये सिल्क कल्चर या सेरिकल्चर का प्रोडक्शन हो रहा था। तो सेरिकल्चर का प्रोडक्शन हम लोग जब लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तो सबसे इजीली आपका या मोस्ट जो डोमेस्टिकेटेड है, जो को इजीली पा सकते हैं, उसमें बॉम्बेक्स मोरी का बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इजीली क्या होता है, बहुत ही अच्छे नेचर वाली होती है और इजीली इसको हम डोमेस्टिकेटेड कर सकते हैं, इजीली पाल सकते हैं। तो अबाउट जो 6 आपकी स्पीसीज है, स्पीसीज में जिसमें बॉम्बेक्स मोरी, जो बॉम्बेक्स मोरी है वो क्या है, नेटिव ऑफ चाइना, यानी सब ये नेटिव ऑफ चाइना है और इसको हम मलबरी सिल्क भी कहते हैं क्योंकि वो व्हाइट इन कलर होता है। अब तो ये इंडिया एंड जापान में भी क्या हुआ, इसका कल्चर बहुत इजीली, कोरिया और भी बहुत देशों में इसका कल्चर बॉम्बेक्स मोरी से सेरिकल्चर करते हैं। इसकी जो सिल्क होती है वो व्हाइट और येलो कलर का सिल्क होता है और बेस्ट क्वालिटी ऑफ सिल्क कौन देता है, बॉम्बेक्स मोरी से आपका बेस्ट क्वालिटी ऑफ सिल्क मिलता है। कैसा होगा, व्हाइट और येलो कलर का होता है। और ये किस फैमिली में, बॉम्बेक्स मोरी किस फैमिली से बिलोंग करता है, बॉम्बिसिडी, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। तो गुड क्वालिटी का क्वेश्चन ये भी अक्सर पूछता है, यहाँ तक कि ISPCC क्वेश्चन में भी पूछता है कि आपका बेस्ट क्वालिटी का जो सिल्क है वो किस से प्राप्त होता है, तो आप क्या बताओगे, आपका बॉम्बेक्स मोरी से। इसके इसलिए इसको मलबरी सिल्क भी ही कहते हैं। मलबरी सिल्क इसलिए कहते हैं क्योंकि ये व्हाइट जो शहतूत के पौधे होते हैं, तो इसका व्हाइट जो शहतूत के पौधे लीव्स है वो बहुत ही इसका फेवरेट फूड है और उसको वो खाता है और उसी पे अपने लाइफ साइकिल को, इसके कैटरपिलर लार्वा। अब दूसरा आया एंथ्रेसा माइलाइटा, ठीक है, जिसको हम तसर सिल्क वर्म भी कहते हैं। क्या है, एंथ्रिया माइलाइटा तसर सिल्क है, ठीक है। ये क्या होता है, बाय वॉलेटाइन स्पीसीज। अगर वॉलेटाइन, यूनी वॉलेटाइन, बाय वॉलेटाइन या मल्टी वॉलेटाइन की बात करें तो जिस
सेरी कल्चर की प्रोसेस से साल में एक बार प्रोडक्शन हो सेल आपका पूरा सिल्क का, यानी जिस भी स्पीसीज का, तो उसको क्या कहेंगे, यूनिवोल्टाइन। तो ये क्या है, बाई वोल्टाइन, यानी साल में दो बार इस वॉर्म से या सिल्क मॉथ से हम क्या कर सकते हैं, सिल्क वॉर्म एक्चुअली क्या है, वो मॉथ है, तितली के जस्ट दिखने वाले, लेकिन वो है क्या, मॉथ। तो ये बाई वोल्टाइन स्पीसीज है, साल में हम इससे दो कल्चर प्राप्त कर सकते हैं। और जैसे ये मलबरी सिल्क आपका जो था मलबरी के लीव्स पे था, तो ये आपका क्या है, फिग ओक साल और बेर के पौधे पे ये इसका होस्टिंग करता, मतलब उस पौधे के लीव्स को ये खाता है। इसकी जो सिल्क होती है ब्राउनिश इन कलर होता है, ये चाइना इंडिया साइलोन अधिक अदर कंट्रीज में भी पाया जाता है। तसर सिल्क के वन के बारे में है कि इसका कुकुन जो होता है, इसकी जो कुकुन होती है बहुत ही हैन के एग के साइज होता है, मतलब हैन मुर्गी के एग के साइज का इसका कोकून होता है। और एक इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज ये भी है कि ये इजिली डोमेस्टिकेटेड नहीं है, मतलब फिर भी हम इसका क्या करते हैं, सेरीकल्चर करते हैं, और एक साइज का इसका हैन जो कोकून होता है वो एक साइज का है। अब हम तीसरा हमारा स्पीसीज क्या है, ये किस फैमिली से आता है, सैटर्निडी। कौन सी फैमिली है, सिर्फ बॉम्बेक्स मोरी बायोबिसिटी का है, बाकी सारी जो है स्पीसीज वो होगी किसकी होगी, सैटर्निडी की, ठीक है। तो अब हम एंथ्रेसिया असामा की बात करें, तो इसको हम मूंगा सिल्क वॉर्म भी कहते हैं, मूंगा सिल्क वॉर्म भी कहेंगे, और ये वाइल्ड टाइप का ये भी है और सेमी डोमेस्टिकेटेड है, मतलब इजिली हम इसको भी नहीं करते, लेकिन कुछ डोमेस्टिकेशन सेमी डोमेस्टिकेशन है। और इससे साल भर में हम दो से ज्यादा क्या कर सकते हैं, आपका रेस जो है कल्चर कर सकते हैं, इसलिए ये क्या है, मल्टी वोलेटाइल स्पीसीज है, ठीक है। हिमालय रीजन ऑफ इंडिया में ये पाया जाता, मतलब इसका कल्चर करते हैं। ये फीड करता है सिनामोन, जो सिनामोन है उसके ट्री पे और मैचेलियस लीप पे, ये आपका इसका फेवरेट फूड है। अब आया एट्रेकस रैसिनी, इसको हम क्या कहते हैं, ईडी सिल्क मॉथ, ईडी सिल्क भी कहते हैं। ये साउथ ईस्ट एशिया में सबसे ज्यादा पाया जाता है और फीड करता है लीप्स ऑफ कस्टर्ड, किसपे, कस्टर्ड के लिप्स पे ये क्या करता है, फीड करता है, जैसे मलबरी कर रहा है, ये बेल सार इस पे कर रहा है, वैसे ये कस्टर्ड। और इसको हम आरएनडी सिल्क भी कहते हैं। इरी सिल्क में क्या होता है कि कोकून को हम क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं, और इससे बिना डिस्ट्रॉय किए, कोकून को बिना डिस्ट्रॉय, मतलब प्यूपा को बिना डिस्ट्रॉय किए हम कोकून से सिल्क प्राप्त करते हैं, तो इसको अहिंसा सिल्क भी कहते हैं। एथेकस एटलस जियान सिल्क मॉथ, ये इंडिया और मलेशिया में इसका हम क्या करते हैं, कल्चर करते हैं। इसकी जो आपकी सिल्क होती है वो रफ होती है बहुत, बट क्या है, स्ट्रांग होता है, और ये फीड करता है कस्टर्ड लीफ पे। और ये सिल्क मॉथ सबसे बड़ी साइज की होती है, इसलिए इसको बोलते हैं जियांट, मतलब बड़े साइज की। और अगर ये अपने विंग्स को स्पान करती है तो ये 11 इंचेस से भी ज्यादा साइज में बड़ी होती है। अब लास्ट क्या है, एंथ्रेसिया पेरियाई ओक सिल्क मॉथ, ये क्या है, ओक सिल्क मॉथ है, ये भी चाइना में है। ओक सिल्क मॉथ जो है ओक लीव्स को, ओक ट्री के लीव्स पे ये क्या करती है, फीड करती है। पेल बफ कलर का इसका क्या होता है, सिल्क होता है, लेकिन क्या होता है, ये फाइन क्वालिटी का, मतलब इसकी थ्रेड जो होती है फाइन क्वालिटी की होती है। तो अगर अब हम लाइफ साइकिल की बात करें, तो लाइफ साइकिल में क्या है, आप ये देख सकते हैं, एडल्ट सिल्क मॉथ है, ठीक है, जो क्या करती है, ले करेगी आपका लिप्स पे, और ये चेंज होगा, ये एक हैच आउट होके क्या करेगा, कैटरपिलर लार्वा बनाएगा, कैटरपिलर लार्वा अपने चारों तरफ, तो ये कैटरपिलर लार्वा यानी सिल्क मॉथ जो हम कहते हैं, सिल्क वॉर्म जो कहते हैं, इसी कैटरपिलर लार्वा की वजह से कहते हैं, क्योंकि ये कैटरपिलर लार्वा क्या करेगा, अपने चारों तरफ सिल्क ग्लैंड से अपने चारों तरफ कोकून का फॉर्मेशन करेगा और प्यूपेशन पीरियड में चला जाएगा, और फाइनली प्यूपेशन पीरियड के अंदर ये मेटामॉर्फोसिस होके फिर से एडल्ट में चेंज होता है। तो ये इसकी लाइफ साइकिल है। तो इसलिए इस ड्यू टू आपके इस लार्वा, कैटरपिलर लार्वा की वजह से हम इसको क्या कहते हैं, सिल्क वॉर्म, क्योंकि हम इसी स्टेज से, लार्वा के इसी स्टेज से हम क्या करते हैं, सिल्क का प्रोडक्शन करते हैं, ये अपने चारों तरफ कोकून का फॉर्मेशन करता है। तो इसको हम डिटेल में देख लेते हैं कि कैसे सिल्क का प्रोडक्शन होता है या इसकी लाइफ साइकिल कैसे होती है। अब हम सिल्क वॉर्म की लाइफ साइकिल के बारे में स्टडी करते हैं कि सिल्क वॉर्म का लाइफ साइकिल कैसे कंप्लीट होता है, क्योंकि सिल्क वॉर्म का लाइफ साइकिल क्या है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस का एग्जांपल है, जहां पे क्या होता है, आपका लार्वा से वो मेटामॉर्फोसिस होगा एडल्ट, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। तो ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल डिफरेंट स्टेजेस
क्या करता है, डिफरेंट स्टेज से पास हो रहा है। तो सबसे पहले फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन किसमें करेगा, मेल और फीमेल के बीच में कॉपुलेशन होगा या फर्टिलाइजेशन होगा। तो मेल क्या होता है, फीमेल से साइज में छोटा होगा और फीमेल जो होगी वो साइज में बड़ी होगी इन कंपैरिजन टू मेल। और फीमेल के पास क्या होगा, एब्डोमेन थोड़ा सा क्या होगा, ब्रॉड होगा। तो फीमेल अट्रैक्शन के लिए क्या करते हैं, खास तरह का फिरोमोन्स का सिक्रीट करते हैं, जिसको क्या कहेंगे, बॉम्बिकोल। वो फिरोमोन्स को सिक्रीट करेगी जिससे क्या होगा, मेल अट्रैक्ट होंगे और इसके बाद ये क्या करेंगे, कॉपुलेशन करेंगे। तो मेल तुरंत कॉपुलेशन के बाद, जैसे न्यू इमर्ज होता है आपका एडल्ट में मेल, वो तुरंत कॉपुलेशन के लिए चला जाता है। तो कॉपुलेशन के तुरंत बाद क्या होता है, मेल का डेथ हो जाता है। लेकिन फीमेल का क्या होता है, आफ्टर एग लेइंग, एग लेइंग के बाद वो मरती है। तो अब एग लेइंग के समय क्या होता है, 300 to 500 एग को वो ले करेगी, कहां पे, डॉर्सल साइड ऑफ मलबरी लिप्स पे, और ये इसको अटैच करेगी जिलेटिनस सिक्रीशन से। और ये सिक्रीशन कहां से सिक्रीट होगा, फीमेल से, क्योंकि मेल तो डेथ, मेल का डेथ हो गया। तो आप यहां देख सकते हैं मेल, फीमेल क्या कर रही है, ये ले कर रही है एग को मलबरी के लिप्स पे डॉर्सल साइड में, और इसको क्या की, जिलेटिनस आपके ग्लू से इसको चिपका दी, ठीक है, मतलब पेस्ट कर दी। और 7 to 10 days में ये क्या होगा, हैच आउट होगा और इससे आपका लार्वा इमर्ज होगा। तो एक की बात करें तो एक कैसा है, एक क्या है, स्फेरिकल इन शेप है, व्हाइट इन कलर है, और लगभग 2001 का 1 gram क्या होता है, वजन होता है। अब एक भी ये दो तरह की एक को ले करती है, एक डाइपोज और दूसरा नॉन डाइपोज। नॉन डाइपोज जो होता है वो इंडिया में ऐसे एक ले किया जाता है सब ट्रॉपिकल रीजन में, और ये किसमें, ट्रॉपिकल रीजन में। तो आफ्टर क्या होता है, 10 days के बाद क्या होता है, ये हैच आउट होगा आपका कैटरपिलर लार्वा में। और ड्यूरिंग कैटरपिलर लार्वा के समय आप यहां देख सकते हैं एग हैच आउट हो रहा है इनटू अबाउट 10 days में क्या, कैटरपिलर लार्वा में। और जब ये हैच आउट होता है तो सबसे पहले एग से जो आपका कैटरपिलर लार्वा बनता है वो एंट, मतलब चींटी के आकार का होता है लगभग वो कैटरपिलर लार्वा। और तुरंत आपका एग लेइंग के बाद ये क्या होता है, वोरेसियस फीडर होता है, मतलब बहुत तेजी से ये खाना स्टार्ट कर देगा। क्या खाना स्टार्ट करेगा, मलबरी लिप्स को। अगर इसको मलबरी के लिप्स नहीं मिले तो ये क्या होगा, ड्यू टू स्कैरसिटी, इसकी कमी से वो क्या हो जाएगा, तुरंत डेथ हो जाएगा। तो इसलिए तुरंत एग लेइंग के तुरंत बाद, हैच आउट के बाद जब ये लार्वा इमर्ज होता है तो इसको क्या करना चाहिए, सफिशियंट इसको फूड मिलना चाहिए मलबरी का, नहीं तो ये तुरंत इस क्या हो जाएगा, मर जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, सेरिकल्चर में बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा और सिल्क का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। तो इस तरह क्या है, ये सिल्क जो है आपका न्यूली हेल्थ लार्वा जो होता है अबाउट 1/8 ऑफ द इंच होता है टोटल, और ये पेल कलर का होगा, येलो इस व्हाइट इन कलर होगा। अब ये क्या करता है, डिफरेंट आपका 5 times ये मोल्टिंग होगा, मतलब फर्स्ट 4 times की जो फर्स्ट मोल्टिंग कितने दिन में होगा, 3 to 4 days में। तो ये थोड़ा सा साइज में इंक्रीज होगा, फिर सेकेंड इन जिस ये आपकी मोल्टिंग जो होती है, तो इस लार्वा के इस स्टेज को हम क्या कहेंगे, फर्स्ट इंस्टार, फिर सेकेंड इंस्टार 2 to 3 days में होगा, लार्वा थोड़ी और इंक्रीज हो जाएगी। थर्ड इंस्टार लार्वा क्या होगा, 3 to 4 days में फिर चेंजेस होगा। फोर्थ इंस्टार लार्वा 3 to 4 days में फिर चेंज होगा। और फिफ्थ इंस्टार लार्वा अबाउट 6 to 8 days में ये मैच्योर हो जाएगा, यानी लगभग 10 days के बाद ये क्या होगा, ये कैटरपिलर लार्वा का साइज जो होगा बहुत ही बड़ा साइज हो जाएगा। अबाउट कितना, जो इतनी छोटी साइज की थी वो कितने साइज की हो गई, 7.5 centimeter का हो गया। और इस तरह इसका जो ये क्या है, इसका वजन है, और लगभग इसको कंप्लीट करने में ये इसका 21 to 25 days लगता है, यानी ये क्या कि 4 times मोल्टिंग करने के बाद ये फिफ्थ इंस्टार लार्वा जो है हमारा क्या है, कैटरपिलर लार्वा है। तो ये मोल्टिंग किस तरह करी है, बाय द मेटामॉर्फोसिस, एक डायसन की वजह से क्या कर रहा है, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, एक डायोसिस, और एक डायसन लार्वा हार्मोन्स की वजह, फिरोमोन्स की वजह से या हार्मोन्स की वजह से ये क्या हुआ, कैटरपिलर लार्वा में चेंज हो गया। अब ये कैटरपिलर लार्वा क्या है, बहुत ही, क्योंकि भाई ये बहुत वोरेसियस फीडर है, बहुत तेजी से ये लिप्स को खाता है। जब ये छोटा होता है तो बहुत मुलायम और टेंडर्स लिप्स को खाता है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होगा ये लिप्स को खाना बहुत है। तो इसकी हेड की बात करें तो हेड कैसा है, मैंडुबुलेटेड माउथ पार्ट है। हेड में क्या है, मैंडुबुलेटेड माउथ पार्ट है, और हेड में एक ओपनिंग होती है जिसको क्या कहेंगे, स्पिनरेट। और ये स्पिनरेट किसकी ओपनिंग होती है, सिल्क ग्लैंड की, क्योंकि यही स्टेज जो है क्या करता है, सिल्क ग्लैंड,
सिल्क लार्वा इसलिए कहते हैं क्योंकि यही स्टेज क्या करता है, सिल्क थ्रेड का सिक्रीशन करता है। तो सिल्क थ्रेड का ग्लैंड के बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और शॉर्ट वीडियो बनाएंगे तो उसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे। लेकिन इतना जान लें कि ये जितना भी ये लार्वा, इतना बड़ा लार्वा है, तो ये लार्वा का एलिमेंट्री कैनाल के लगभग ज्यादा बॉडी के ज्यादा पार्ट में जो है वो क्या होता है, पूरा ऑक्युपाई करता है सिल्क ग्लैंड। ठीक है, तो सिल्क ग्लैंड से क्या करेगा ये सिल्क ग्लैंड एक्चुअली होता है क्या, ये लेबाइल ग्लैंड, लेबियल, जैसे लेबाइल माउथ पार्ट है तो लेबियल ग्लैंड की तरह ही एक सिल्क ग्लैंड इसका पार्ट है। तो इस लार्वा में क्या है, लगभग 12 आपके 12 सेगमेंट होते हैं जिसमें हेड और थॉरेक्स, थॉरेक्स देखिए आपका 3 पार्ट में है, और थॉरेक्स का क्या होता है, 3 थॉरेक्स में आपका थॉरेसिक ट्रू लेग होता है, 3 पेयर ऑफ थॉरेसिक ट्रू लेग होता है जो इसके चलने में, वॉकिंग में मदद करता है। आफ्टर दैट एब्डोमेन में कितना सेगमेंट होता है, 10 सेगमेंट होता है। एब्डोमेन में कितना सेगमेंट होता है, 10 सेगमेंट होता है, और पूरी बॉडी पे आपका क्या है, सेगमेंट में स्पाइरिकल्स है। ठीक है, और एब्डोमेन में आपका 3rd, 4th, 5th, 6th, मतलब 3rd, 4th, 5th, 6th और लास्ट सेगमेंट में आपका यानी 5 पेयर ऑफ सूडो लेग होता है। एब्डोमेन में कौन सा लेग होता है, सूडो लेग, और ट्रू लेग कहाँ होता है, थोरेसिक लेग में। ये सूडो लेग क्या होता है, इसको कुशन लेग भी कहते हैं। ये क्या होता है, वॉकिंग में मदद नहीं करेगा, ये सिर्फ चिपकने में और चलने में मदद नहीं करेगा, सिर्फ कुशिंग लेग है। अब इसमें और क्या है, इस लास्ट सेगमेंट पे हम क्या देखेंगे, एक डॉर्सल हॉर्न, एनल डॉर्सल हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर निकला रहता है। तो यहाँ पे ये हेड रीजन में आपका क्या है, स्पिनरेट, एक ओपनिंग है स्पिनरेट का जहां से सिल्क थ्रेड निकलता है, सिल्क थ्रेड, सिल्क ग्लैंड से क्या होता है, सिल्क का सिक्रीशन होता है, और पूरी बॉडी में ये सिल्क ग्लैंड इसके आपके वॉल में फैला रहता है। तो मैच्योर कैटरपिलर लार्वा का लगभग क्या होता है, 4.6 ग्राम होता है, और ये 7.5 सेंटीमीटर लेंथ होता है, में होता है, और अपने जीवन काल के, मतलब इसके पूरे जीवन काल में, लगभग इसका जीवन काल जो होता है, लाइफ साइकिल जो होती है, वो 45 से 50 डेज में तक होता है, जिसमें ये लगभग 25 से 35 डेज का सबसे लंबा पीरियड किसका होता है, इसी कैटरपिलर लार्वा का होता है। यानी सबसे ज्यादा लाइफ साइकिल लंबा इसके पूरे, इसके लाइफ साइकिल में पूरा सबसे ज्यादा एवरेज इसका कितना दिन, ये सबसे ज्यादा लाइफ साइकिल किसका है, आपका कैटरपिलर लार्वा का। तो बहुत ही सिंपल है कैटरपिलर लार्वा, क्योंकि कैटरपिलर लार्वा जो है यही सिल्क ग्लैंड का प्रोडक्शन करता है। तो आफ्टर ड्यूरिंग क्या करेगा, सिल्क ग्लैंड के समय क्या करेगा, ये अपना एक स्टिकी, आपका पहले क्या था, गमी सेक्रेशन, सिल्क को क्या करेगा, सिक्रीट करेगा, और उसके बाद क्या होगा, जैसे ही ये सिल्क बाहर आता है, पहले तो मुलायम मतलब स्टिकी होता है, लेकिन जैसे ही हवा एयर के कांटेक्ट में आता है, ये हार्डन सब्सटेंस में चेंज हो जाता है, और ये सिल्क थ्रेड की तरह आपका बन जाता है। तो हमारा ये लार्वा क्या होता है, मैच्योर से एडल्ट एग लार्वा, और लार्वा कौन सा लार्वा, कैटरपिलर लार्वा। अब ये कैटरपिलर लार्वा फाइनली कहां जाएगा, प्यूपेशन पीरियड में। तो प्यूपेशन पीरियड में कैसे किया, ड्यूरिंग प्यूपेशन पीरियड ये क्या करेगा, अब ये लार्वा फीडिंग स्टॉप कर देगा, फीडिंग, अब ये खाना पीना बंद कर देगा, और किसी भी लिप्स के एक कॉर्नर पे ये जाके सेटल डाउन हो जाएगा, मतलब कहीं भी लिप्स के कॉर्नर में ये सेटल डाउन होगा। अब सेटल डाउन के बाद क्या करेगा, ये सिक्रीट करेगा एक स्टिकी फ्लूइड। ठीक है, स्टिकी फ्लूइड क्या था, फ्रॉम सिल्क ग्लैंड से आपका स्टिकी फ्लूइड को आपका करेगा सिक्रीट, और कैसे करेगा, स्पॉन करेगा, अपने हेड को क्या करेगा, ऐसे ऐसे मतलब घुमाएगा इसके, अपने बॉडी के चारों तरफ क्या करेगा, इसको स्पॉन करेगा उस सिल्क के जो आपका सिक्रीशन कर रहा, और इस तरह पूरे अपने बॉडी के चारों तरफ क्या करेगा, एक कवरिंग बना लेगा, और इस कवरिंग को हम क्या कहते हैं, कोकून कहते हैं। तो ये कवरिंग बनाने में पहले लगातार ये 3 दिन तक क्या करता है, सिल्क ग्लैंड से सिल्क का सिक्रीशन करते रहता है, और पहले जो ऊपर में सबसे ऊपर का जो लेयर सिल्क का होता है, सिल्क कोकून का लेयर जो होता है वो इररेगुलर होता है, लेकिन जस्ट उसके कुछ नीचे क्या होता है, वो सिल्क की थ्रेड क्या हो जाती है, रेगुलर होता है, हो जाता है, और लगभग 65 टाइम्स, मतलब वो क्या करता है, 65 टाइम स्पन करता है अपने हेड को पर मिनट, यानी एक मिनट में वो 65 टाइम अपने हेड को घुमाता है अपने चारों तरफ कोकून बनाने के लिए। मान लीजिए लार्वा, तो ये चारों तरफ बनाने के लिए अपने हेड को ऐसे करके फाइनली ये क्या करेगा, सिल्क का कोकून बना लेगा, और इसके अंदर क्या होगा, अपने आप को सेटल डाउन कर लेगा। तो
ड्यूरिंग प्रिपरेशन पीरियड क्या कर रहा है, स्टॉप हो जा रहा है इसकी फिटिंग और चारों तरफ से अपने आप को ढक लिया और ये फाइनली किसका फॉर्मेशन हो गया, कॉकून का। तो कॉकून का फॉर्मेशन करने में इसको लगभग थ्री से सिक्स डेज लगता है और इस थ्रेड में लगभग 1200 मीटर तक क्या होता है ये कॉकून से थ्रेड निकल सकता है, इतने थ्रेड निकल सकते हैं। अब कॉकून के बारे में बताया तो कॉकून क्या है, हमारा सिल्क का कंटिन्यूअस 10 से 20 डेज में पूरा कॉकून का फॉर्मेशन हो गया और कॉकून के अंदर फाइनली क्या होता है ये जो लार्वा है मेटामॉर्फोसिस हो गया प्यूपा के केस में। इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, यानी ये अपना क्या करेगा, ये अपने सुडो लेग को लॉस कर देगा और थोरेसिक में क्या करेगा आपका पेयर ऑफ विंग्स, मतलब ये क्या हो गया, देखिए कॉकून को अगर हम कट ओपन कर रहे हैं, अगर काटे हैं तो ये मुझे ये क्या दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपको प्यूपा स्टेज। तो प्यूपा स्टेज क्या होगा, 3 to 3 days में ये फॉर्म कर लेगा और फाइनली क्या होगा ये कॉकून व्हाइट कलर का है और ये कॉकून में क्या होगा ये फाइनली किसमें चेंज हो जाएगा, कॉकून से ये कैटरपिलर लार्वा प्यूपा किसमें चेंज होगा, इमीगो में चेंज होगा। इमीगो जो है वो क्या है आपका एकदम एडल्ट से पहले जो आपका इसके अंदर मेटामॉर्फोसिस हुआ है वैसे आपके जो वॉर्म है मौत है उसको हम क्या कहेंगे, इमीगो। तो इमीगो की कंडीशन में क्या है, इमीगो के कंडीशन में क्या है कि ये क्या करेगा जब ये थ्रेड सिल्क का कॉकून का फॉर्मेशन किया तो अब इसी के अंदर प्यूपेशन है तो ड्यूरिंग इमीगो का फॉर्मेशन हो जाएगा तो अब क्या करेगा किसी एक कॉर्नर पर ये एक एल्कलाइन सॉल्यूशन का सिक्रीशन करेगा और वहां पे क्या करेगा एक कट कर देगा, क्या करेगा एक कट छिद्र कर देगा छेद और उस छेद से क्या होगा वो स्केप आउट करेगा क्या आपका इमीगो, इमीगो क्या होगा वहां से स्केप आउट होगा। तो ड्यूरिंग दिस टाइम ये अगर छेद कर देता है तो पूरा हमारा कॉकून बर्बाद हो जाता है और जिसकी वजह से क्या होता है ये आपका थ्रेड का या सिल्क का जो आप प्रोडक्शन हो वो अच्छे से नहीं हो पाता। तो ड्यूरिंग प्यूपेशन पीरियड में ही हम क्या करते हैं, प्यूपेशन यानी इसी पीरियड में हम क्या करते हैं आपका सिल्क का प्रोडक्शन के लिए क्या करते हैं प्यूपा को क्या करते हैं हम मारते हैं, यानी प्यूपा को हम मारते हैं ताकि वो इमीगो में चेंज ना हो और ये सिल्क का जो कॉकून है ये क्या हो खराब डिस्ट्रॉय ना हो, यानी क्योंकि इमीगो में चेंज जब ये मेटामॉर्फोसिस होता है तो उसमें क्या करता है एक कट करता है एल्कलाइन फ्लूड क्या करेगा सिक्रीट करेगा जिससे वो मॉइस्ट हो जाएगा और वहां छेद से वो क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा इमीगो 3 to 4 days में और वो बाहर आने के बाद तुरंत क्या होगा मेल तुरंत कॉपुलेशन के लिए तैयार कर हो जाता है और फीमेल जो है अबाउट 3 to 4 days के बाद वो फिर से फर्टिलाइजेशन करेगी और अपने लाइफ साइकिल को कंटिन्यू करती है। तो बहुत ही सिंपल सा इसका लाइफ साइकिल है लेकिन इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि ड्यूरिंग प्यूपेशन पीरियड में ही हम क्या करते हैं जब ये कैटरपिलर लार्वा अपने चारों तरफ आपका कॉकून का फॉर्मेशन करता है तो उसी समय हम इस प्यूपेशन के पीरियड में ही क्या करते हैं इसको सेलेक्ट करते हैं और फाइनली इससे क्या करते हैं सिल्क का प्रोडक्शन करते हैं। तो इस तरह लाइफ साइकिल क्या होता है, एडल्ट आपका एक कैटरपिलर लार्वा 4 times मॉल्टिंग करने के बाद 5th स्टेज जो है वो 5 instar लार्वा जो है वो लार्ज साइज कैटरपिलर है ये फीडिंग रोक देगा प्यूपेशन पीरियड में चल जाएगा, प्यूपेशन से फिर इमीगो में चल जाएगा चेंज हो जाता है। तो ये क्या था कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वर्म। तो ये हम लोग लाइफ साइकिल देख सकते हैं सिल्क वर्म का, तो सिल्क वर्म के लाइफ साइकिल में क्या दिख रहा है एक लार्वा प्यूपा कुकुन और एडल्ट। देखिए हम देख सकते हैं लाइफ साइकिल में सबसे पहले क्या एग्स को, एग्स के बाद ये लार्वा है लार्वल स्टेज है, लार्वा के बाद ये क्या है एडल्ट लार्वा जिसको कहेंगे कैटरपिलर लार्वा। कैटरपिलर लार्वा में आप ध्यान से देखें तो ये क्या है इसका एनल हॉर्न है और आगे ये माउथ का पार्ट है और ये आपका थोरेक्स और एब्डोमेन। जस्ट लार्वा कैटरपिलर लार्वा किसमें चेंज हो रहा है प्यूपा और प्यूपा के कंडीशन में ये क्या कर रहा है अपने बॉडी के चारों तरफ क्या कर रहा है कॉकून का फॉर्मेशन कर रहा है। यह कॉकून आपको येलोइश कलर का दिख रहा है, ये क्या है पहले व्हाइट होता है तो इसी कॉकून से हमें सिल्क थ्रेड का प्रोडक्शन, हम इसी कॉकून से सिल्क थ्रेड का प्रोडक्शन करते हैं। आफ्टर दैट कॉकून के अंदर क्या है प्यूपेशन और प्यूपेशन फाइनली किसमें मेटामॉर्फोसिस होके किसमें चेंज हो रहा है इमीगो में और इमीगो क्या करता है इसी को कट ओपन करता है और फाइनली एडल्ट में चेंज हो जाता है। तो ये देखिए क्या है एडल्ट सिल्क मॉथ।
तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और लाइक और शेयर कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसके फर्दर स्लेवरी ग्लैंड और सेरी कल्चर का प्रोडक्शन कैसे करते हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ओके, थैंक यू।